हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। यह लार्जेस्ट फाइलम है। इसमें 65% जीवाते हैं। तो इसकी अब ट्रिक देख लेते हैं। इसके ट्रिक है काका में माँ बाप। ट्रिक को कोरिलेट करेंगे। कोरोना की महामारी में बहुत से बच्चे अनाथ हो गए और अब उनके काका ही उनको माँ बाप की तरह देख रहे हैं और अब उनके काका ही उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो उनके काका में ही क्या है, माँ बाप है। तो इसलिए ट्रिक है काका में माँ बाप। फर्स्ट सी से हो जाएगा क्यूलेक्स। क्यूलेक्स एक मॉस्किटो होता है जिससे फाइलेरिया रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हो जाएगा ए एनाफिलीज। आपको पता होगा कि एनाफिलीज मच्छर या एनाफिलीज मादा मच्छर मलेरिया की वाहक होती है। नेक्स्ट हो जाएगा सी कॉकरोच और ए हो जाएगा एपीज। एपीज को हनी बी या मधुमक्खी भी कहते हैं। काका मी, यहाँ पर मी साइलेंट हो जाएगा। माँ बाप, माँ, माँ मीन्स मस्का, मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी का साइंटिफिक नेम होता है। नेक्स्ट है बाप, बी, बी हो जाएगा बॉम्बेक्स। बॉम्बेक्स मीन्स सिल्क वर्म। ए हो जाएगा एडीज। एडीज एक मॉस्किटो है और ये डेंगू रोग का वाहक होता है। पी हो जाएगा प्राण। प्राण मीन्स झींगा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसमें उत्सर्जी अंग मेल पिंगियन ट्यूब्स होती हैं और इनमें ओपन वेस्कुलर सिस्टम यानी कि खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनके इंटरनल बॉडी पार्ट रक्त में डूबे रहते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीवों में रक्त बॉडी वेसल्स में नहीं बहता और फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीव संयुक्त नेत्र संयुक्त उपांग वाले जीव होते हैं। इनकी बाह्य त्वचा काइटिन की बनी होती है। एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है। नेक्स्ट फाइलम देख लेते हैं। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम मोलस्का। इसकी ट्रिक है मोलस्का यूपी में पाया जाता है। मोलस्का यूपी में पाए जाते हैं। यूपी यूपी से हो जाएगा फर्स्ट यू, यू से हो जाएगा यूनियो और पी से हो जाएगा पाइला। मोलस्का संघ के प्राणियों में उत्सर्जी अंग केबर का अंग या ऑर्गन ऑफ वोजनस पाए जाते हैं। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इसको याद करने के लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। एक तारा किस्मत दा। आपको पता है कि स्टार्स इसको हिंदी में तारा मछली बोलते हैं। तो एक तारा यानी कि इकाइनोडर्मेटा मिस आ जाएगी स्टारफिश। इसको इंग्लिश में एस्ट्रीज भी बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाय।